अस्सलाम वालेकुम। नफीस, शिकायत वापस लेने के लिए अच्छी तरह सोच के आई हो? कहीं कोई? जी हाँ, यही बेहतर है। हमने सोच लिया है। क्यों कर रही हो ऐसा? किसने मशवरा दिया ये? तुमने? तुम्हें भी सलाम है। वैसे क्या मतलब है सलाम है? ये अकेली लड़की रूस में करेगी क्या? तुम चाहते हो हम शिकायत वापस ले लें और वो बेगैरत इंसान आजाद घूमे? ये लड़की जिला वतन हो जाएगी, क्या ये तुम्हारा फैसला है? बताओ। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? देखो ताए। देखें प्लीज, हमने फैसला कर लिया है और ये रहे मेरे पेपर्स। जब आप साइन करने बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगी। आप ये हमारे जाने के बाद पढ़िएगा। तुम पछताओगे नफीस एक दिन। अस्सलामुअलैकुम। सलाम इदरीस। काम कर दिया है क्या तुमने? माल? हाँ, पैसे। हाँ, हम किसी पे यकीन वकीन नहीं करता है, पर तुम हमको अच्छा आदमी लगता है। ये तस्वीरें हैं जो तुम्हें चाहिए थी। हाँ, हम कोशिश करेगा तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। हाँ, अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, खुश रहो। आइए मिस ईशान, आपका तो पसंदीदा रास्ता बन गया है ये। मुस्तफा साहब, सूरत हाल ना संजीदा है। विदात पागल हो चुका है। कल नफीस पिस्तौल के साथ विदात को मारने गई थी और पता है फिर क्या हुआ? ताहिर ने उसे मारने से रोका। हाँ, जानता हूँ। अगर ना रोकता तो दोनों से मुकम्मल निजात मिल जाती, एक जेल में और दूसरा कब्र में। कहीं कब्र में तुम्हारा भाई ना चला जाए। विदात दोनों को मारने पर तुला है और किसी की भी नहीं सुनेगा। देखो, हमने मुआहदा नहीं किया था क्या? मैंने नफीस को भेजना था। मेरा भाई बिल्कुल सही सलामत रहेगा, समझी? मरने मराने की बात नहीं करो तुम। आराम से प्लीज, अपने आप को तकलीफ दे बैठोगे। अरे तुम लोग क्या तकलीफ दोगे हमें? हाँ? Okay. तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी मैं। क्या ये किसी तरह विदात को बाहर निकालना होगा? क्या तुम्हें इतना नहीं पता? विदात के कहने पर कत्ल करने वाले 30 मुहाफिज बाहर हैं, उनको कैसे रोकोगे तुम? क्या तुम विदात को कोई कमजोर आदमी समझते हो? नहीं जानते उसकी ताकत? विदात जेल में बाहर से ज्यादा खतरनाक है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, तुम समझ रहे हो ना? और तुम उस आदमी की तमाम गलतियों को मिटाना चाहती हो, है ना? हमारा मौजू ये नहीं है। विदात को निकालो, नफीस को दो और मैं सबको यहां से ले जाऊंगी, ये वादा है। मैं जानता हूं कि मैंने मुआहदा किया है, एक मुआहदा मैंने ताहिर से भी किया है। मैं नफीस को भेजूंगा। तो तुम कहां भेजने वाले हो? मुझे लगता है शायद तुम कुछ भूल रही हो। तुम्हारे मुआहदे में पता बताना शामिल नहीं था। हाँ नहीं था, लेकिन विदात बेकाबू हो गया है और उसको पुरसुकून करने का सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है नफीस को तुम्हारा हमें वापस करना। समझ में आई बात? ये मुमकिन नहीं है। मैंने अपने भाई से जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करूंगा। चलो देखते हैं फिर कि तुम अपने भाई को विदात से कैसे बचाओगे। ठीक है, बचाने वाले की जात तो ऊपर वाले की है ईशान, खुद पर किसी को यकीन नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आप मजीद मुश्किलात खड़ी करने का मंसूबा नहीं बना रहे होंगे। खुदा हाफिज ईशान, फिर मिलेंगे जरूर।